खुलते गए छुपाने में बेरुखी का सबब तो तुम जानो हम तो मसरूफ हैं तुम्हें मनाने में तिनका समझ के जला दिया भैया तिनका समझ के जला दिया कैसे तिनका समझ के जला दिया अरे मेरी तो दुनिया थी आसिया में वो मजा जन्नत में क्या होगा वो मजा जन्नत में क्या होगा खड़े हो जाओ गुरु जैसे जो मुझको आ गया पी के अरे गर इसमें भी शक समझे तो थोड़ी देख ले पी के घर जाना है पी के चली हूँ मैं कैसे पी के अरे वो भी पीना क्या पीना पीरू जो नशा उतर जाए पी के जो नशा उतर जाए पी के क्या बात है ये हमारे दादा गुरु पीर जी के बोल है जो चाहे तू अच्छा भैया तो पहले खुद ही हो अच्छा अरे तू खम चाहत का बोना है तो संभल के इसको वो अच्छा जो चाहे तू अच्छा तो पहले खुद ही हो अच्छा अरे तू खम चाहत का बोना है तो संभल के इसको वो अच्छा गर है दाग ही धोना धुले को फिर से धो अच्छा अगर है दाग ही धोना धुले को फिर से धो अच्छा परेशान कर दिया पीरू के ये अच्छा या वो अच्छा क्या बात है गुरुजी गुलटोला मगर गुल बदन ना मिला चमन में उम्र गुजारी है मगर वो चमन ना मिला कैसे भैया बागों में फूल खिलते हैं मंदिर में चढ़ाता है कोई गुरुजी मारो अरे मोहब्बत तो सब करते हैं लेकिन निभाता है कोई कोई अब बदल की बात अब भैया तो जैसमी रागनी आपके बीच में होगी क्योंकि अब तो माहौल बदल वो गाना सुनाओ फरमाई से उस गाने की हरेंद्र भैया अब ये रागनी बदल गई भैया आओ महाभारत छेड़ चलो दो चश्मी भी हो जाएगी एक चश्मी भी हो जाएगी दो चश्मी दोनों गुरु चिल्ले अब एक रागनी आपके बीच में होगी महाभारत के इतिहास से क्या बात है जिस समय कृष्ण जी संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास में पहुंच जाते हैं जिस समय दुर्योधन के पास में पहुंच गए और दुर्योधन से कहने लगे कि दुर्योधन
उन्होंने अपना 12 साल का वनवास पूरा कर लिया है, उनका राजपाठ वापस कर दे। अरे कुछ ना कुछ तो दे देने का नहीं। हाँ दूसरा राउंड है यो। हमें भी पता करो जी तारा दूसरा राउंड है। 18 साल के नहीं जबरदस्ती ले लेंगे फिर। जिस समय दूसरा राउंड चलेगा महासा सतपाल दोसा का, उस समय दोनों की बात किस तरीके से हो रही है कृष्ण जी की और दुर्योधन की, बाकी हवाला रागने के माध्यम से दुर्योधन क्या कहता है और कृष्ण जी क्या कहते हैं। दुर्योधन मैं एक संधि प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया। किस बात का संधि प्रस्ताव लेकर आप मेरे पास आया हो जरा खुल कर बताइए। मैं तुम्हारे इस राज्य को और तुम्हें बचाने का संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा हूं। प्रधान जी कैडी होगी बात आप लज का मामला सिंह लज के आप संधि प्रस्ताव लेकर मेरे पास में आए हो, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि दुर्योधन तो राज जीत चुका है, आप किस प्रकार का संधि प्रस्ताव लेकर मेरे पास में आए हो। मुझे पता है राज कैसे जीता और राज किसने जीताया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर कुछ ना ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 5 गांव तो उन्हें चाहिए। 5 गांव जो राज मैंने भरी पंचायत के माध्यम से जीत लिया, उस राज की वापसी नहीं हो सकती कृष्ण जी, किसी कीमत पर नहीं हो सकती। भाई तो फिर तो गड़बड़ है, मेरी बात को सुनने जरा बता दे जाओ। थारा कर दूंगा फायदा
कलाकारों के गाने पर खुश होकर, दोनों गुरु शिष्य के गाने पर खुश होकर सभी ने मान और सम्मान बढ़ाया। आदरणीय रोहित प्रधान जी वो भी 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, सभी ने मान सम्मान बढ़ाया। और आदरणीय जगबीर जी के बेटे, बड़े बेटे संजय जी, वो भी 100 रुपए से मान और सम्मान करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आइए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कृष्ण जी आज तक तूने किसी की दही चुरा ली, किसी का दूध चुरा लिया, किसी की मटकी फोड़ दी, तेरे ये काम रहे, तुझे नहीं पता राजनीति चीज क्या होती है। एक बात, मैंने खाने के ऊपर ध्यान दिया, कमाने के ऊपर क्यों ना दिया? कमाने के ऊपर नहीं दिया। राजनीति करना दुर्योधन जानता है, और राज की वापसी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। कृष्ण जी एक बात बताता हूं तुझे दुर्योधन, अगर राजनीति मैं नहीं जानता तो ये सभा भी कैंसिल हो जाती। हम एक मिनट में ले भैया, अब राम पहले से सभा भी कैंसिल हो जाती है। जो वचन उस भरी सभा में किए गए थे कि राज की वापसी नहीं हो सकती, राज दुर्योधन का है, आज वो वचन कहां गए? आज हिमायती बनकर मेरे सामने आया है तू। अरे दुर्योधन मेरी बात को सुन ले। कह दे क्या कहना चाहता है। तेरा साल हो गए उनको घर से निकले बाहर, भाई फैसला करण को आए कृष्ण मुरार भाई, उनका बाज बाट दे वो आधे के हकदार भाई, उनका राज बाट दे वो आधे के हकदार भाई। दुर्योधन का है, हिमायती बनकर मेरे सामने तो आ गया लेकिन तेरी बात नहीं चलेगी, यहाँ कैसे चुप है? एक बात बताता हूं, चलेगी समय दुर्योधन तेरा समय खराब है। मेरा समय खराब नहीं है, समय सचिन का खराब, तेरा समय खराब है। सुराही और जाम दे दे, मैं जाके उनसे कह दूंगा देना सो पैगाम दे के, और धाना तिहाई कर दे या तो पांच काम दे दे, और धाना तिहाई कर दे या तो पांच काम दे दे।
डंडी टिके पिछू जहां डंक टिके जहां सर्प पीरे फणी टिके जितनी जगह बाटू नहीं जहां सुई की आणी टिके और इतनी जगह बाटू नहीं जहां सुई की नाले टिके मेरा करे रे जिगर तो युद्ध के लिए तैयार हो जा तैयार बैठे यही बात लेकर कृष्ण जी तुम यहाँ आए हो फैसले की बात नहीं तुम युद्ध की बात करने मेरे सामने आए हो मैं युद्ध की बात नहीं करने मैं फैसले की बात करने आया हूँ अगर फैसले की बात आप मेरे सामने करने आते तो मेरे हक की बात कहते उन पांडवों के हक की बात नहीं कहते पांडवों के हक की बात नहीं है तेरे हक की बात है नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर अगर कृष्ण जी तेरे मन में ये बात है तो जाकर के उन पांडवों से कह देना हाँ सुन ले प्रदीप लेना 500 रुपए आइए क्या बात है अगर तेरे मन में ये बात है युद्ध की बात लेकर आप मेरे सामने आए तो जाकर के उन पांडवों से कह देना कि दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार बैठा है और प्रदीप रैना 500 रुपए से सम्मान करते हैं 500 रुपए से सम्मान करते हैं उनके लिए बार बार बहुत बहुत धन्यवाद आइए भैया लास्ट कलिंग के बाद तुमसे क्या बताया भला रंग को तैयार हो जा मेटने की खातर अपनी उमंग को तैयार हो जा लाज नहीं बाटता तो युद्ध को तैयार हो जा लाज नहीं बाटता तो युद्ध को तैयार हो जा जैसे तो मैं भी जान गया इस घर का मड़िया में